श्री गुरु नानक देव जी जी साजी नवाब जी परम सत्कार जो सात संगत जीओ वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। मैं आप जी का जरा हिरदे नाल आप जी का शुकराना पेश करना चाहता हाँ। शायद मैं ना कर सका क्योंकि हरफ और हिरदे विच बड़ा अंतर होया करता है। हिरदे दे जो पैगाम होया करते हैं वो सारिया अवस्थावां चीर के पार निकलते हैं, तो जो हरफ हुंदे हन इस समय दे भाव दे नाल चलते फिरते रहिंदे हन। मैं आप जी का शुकराना करा कि थोड़िया दासां द्वारा मैं थोड़े दर्शन कर रहा और मैं थोड़ी देर वास्ते आया। अजे मैं चंगी तरह अडोल चल फिर नहीं सकता क्योंकि दिन प्रैक्टिस चाहिए है, जिस्म की कमजोरी उसनों भी कुछ टाइम लगता है सफलता चाहते हैं। फिर भी सतगुरों की मेहर है जो उन्होंने थोड़ी पकार सुन के मैं अजे इतने ले आता है। बहुत चिर हो गया, मेरा भी दिल तड़फदा सी कि मैं संगतां दे दर्शन करा, मजबूरियां ग्रहां दे चक्कर संसार दी पावी ए किसे नूं साह नहीं लैण दिंदे। समा दिनों दिन मैं आप जी नूं बहुत देर यह प्रचार करता रहा कि समा दिनों दिन खराब आउण दा वाला है। चंगा होया ये पहला ही आके बीत गया है, तो हुण सतगुरु मेहर करनगे भली करनगे कि तुसी सारे खैर खरीयत दे नाल सतगुरां दी चरणी लगे रहो। और मैं उन्हां दा खास धन्नवादी हाँ जिन्हां अपना दिल नहीं छड के दरबार दे हाजरियां भरियां हन और उन्हां दे उत्साह जिहड़े हन ओ किसे तरह गिरावट च नहीं आए। जिहड़े मन समय दे नाल हिलजुल करते रहते हैं मैं समझदा उन्हां च कोई ना कोई जरूर कमजोरी होया करती है। हिरदा वो है जिस धुन विच लग गया और उसनू पा के ही हटिया है। यह उत्साह अजे किसे प्राणी विच होया करते हैं और मैं समझदा सतगुरों की बहुत मेहर होंदी है ते ये अवस्था प्राणी नूं मिलती है। मैं अपना की दसा, दुख दे विच कहंदे ने लोकी सिमरन करदे ने, मैं समझदा दुख दे विच इंसान उस लगन दे नाल उस प्यार दे विच उस सत्कार दे विच अपने गुरां दे चरणां दे नाल नहीं चिमटदा जिवें उस प्रकार साधारण अवस्था च खरीयत दी अवस्था दे विच चिमटदा है। यह संसार च बहुत तब्दीलियां आउणियां है और समा भी मैनूं नहीं दिसदा कि चंगा लवे। आपस विच ही बहुत कुछ होना शुरू हो जाएगा। आपसदारी नूं किसे ने जानना नहीं, ना कोई जानता है। यह होर भी दिनों दिन खराब होंदा जाना है। तुसी सतगुरां दे चरणी लगे रहोगे ते बचे रहोगे, सुखियां मान खुशियां और सुख माणोगे। सतगुरां दी ओट लैण वाला कदी गिरावट च नहीं आउंदा। तुसी देखिया होएगा कि
दशमेश पिता के समय किसना सेवा होंगी सी भाई कन्हैया उन्हां दी परंपरा भी चलती है उन्हां दा दरबार भी चलता है उन्होंने इस बड़ी अच्छी तरह निभा रहे हैं ये दर्शाने वास्ते कि गुरसिख जिहड़ा है वो किसी का वैरी नहीं है वो सब का मित्र है वो सब दे विच अकाल पुरख की जोत देखता है और उस तरह ही उस प्रभाव के नाल वो सेवा करता है। मैं समझना कि साढ़े दरबार के सेवक बड़े प्यार नाल सेवा करते हैं और करते रहेंगे। प्राप्ति तो हो ही जा रही है, प्राप्ति का तो इंतजार कोई नहीं है, वो नालों नाल होती जा रही है। लेकिन दुबदा चना आए दुबदा विच आके रह जाता है, खसम छोड़ दूजे लगे डूबे से बन जा रहा। ये तुक बड़ी गहराई की कुरबाणी के विच आई है। जिसने अपने गुरों के साथ चरणों में नहीं छड़िया उन्होंने सहारा मिले ही जरूर। और हिंदू मैथोलॉजी दसदी है थां थां के सहारा ही गुरों का सहारा ही सब कुछ ओट है बल है। और ऐसे दे इशारे दे नाल असी सब साढ़े जड़े काम हैं अचनचेत होंदे चले जा रहे हैं। ये उन्हां दी कृपा है, ये उन्हां दी दया है, ये उन्हां दा सानू प्यार ब्लैसिंग है। असी समझिए चाहे ना समझिए, जे समझदे आ तो सुख है, जे नहीं समझदे तो मूर्ख है। संसार दे विच जिवें हवा चलती है कदी तेज हो जाती है कदे धीमी हो जाती है, इसी तरह जीवन है इंसान का। ये चलता है और इसनू जे सहारा सतगुरों के चरणों का मिल जाए तो ये ओट लैके पार हो जाता है। संसार दे विच बहुत कुछ ऐसे दृश्य दिसणगे जिहड़े दिल नूं चंगे नहीं लगणगे, अखां मीट के अगे निकल जाओ। ये समा कुछ चंगा नहीं दिसदा, अगे मालक जानते हैं कि कुछ होना है। असी तां केवल सेवक हाँ जो मन विच भाव उठते हैं वह दर्शाते जाते हैं, वह तकरीबन ठीक ही होंगे। उन्हों की ओट और सहारे के नाल ही वह सब कुछ चलता है। सात संगत जी, मैं अच्छे थोड़े पास बहुत ही देर नहीं बैठना, मैं छुट्टी भी लवागा और तुसी अपना दरबार जिमें चलता है चलाओ। और अज मैं कहांगा कि तुसी सेवादार दा उत्साह है कि चपई साहब दे पाठ हो जाण, ते इसे दरबार तो शुरू कर दिओ। हुण चार सवा चार बजे होणगे ते तुसी पांच बजे दरबार मेरा ख्याल बरखास्त कर दिओ। पांच घंटे चाली पंताली मिनट ये पाठ जरूर करो और मंग मंगो के दाता अजीत दरबार जी जी संगत है राजी खुशी रहे और इन्हां ते आपदा ओट सहारा हमेशा ही मिलता रहे। सब आप जी नूं ये शुकराना भी भेंट करना सी ते दो चार लफ्ज भी कहने सी। सो मैं आप जी पासों खिमा मंगागा ते हुण आपां चपई साहब दे पाठ आरंभ करांगे।
तो मैं कोशिश करांगा बैठन दी, जे नहीं बैठ सका तो मैं इजाजत दे देना, मैं चला जावा, लेकिन मैं थले जरूर बैठांगा जब तक दरबार बर्खास्त नहीं होंदा। ते मैं बेनती करदा कि आप लोग बड़े प्यार और सत्कार दे नाल ए पाठां दी अवस्था शुरू कर दियो। वाहेगुरू जी का खालसा, वाहेगुरू जी की फतेह। जी की प्यारी साजी नवादी साध संगत जीओ, वाहेगुरू जी का खालसा, वाहेगुरू जी की फतेह। साध संगत जीओ, तुसी कबीर साहब का शब्द सुन रहे सो, संसार प्रभु दे प्यारियां नूं तसीहे दे के खुश रहिंदे आ कि साडी ईन मन्नण, जिहड़े भगत होया करदे हन, सेवक होया करदे हन, उहनां नूं इहनां चीज़ां दे नाल ना कोई लांझा हुंदा है ते ना कोई डर डुकर होया करदा है। उहनां ने जो भी करना है अपने मन और तन दे ख्याल और ध्यान नूं लगा के अपने रस्ते नापी जाने हैं। साढ़े इत्थे साहिबां दे हुक्म हन कि तुसी किसे सेवादार नूं मिलो चाहे ना मिलो, सात संगत सिद्धि आवे, अपना सिमरन करे, जो निजम है वो करे, करके अपनी सुख शांति वास्ते जाओ दी कमी है उस वास्ते बेनती करे, ओ बेनतियां पूरिया हुंदिया हन। आज मैं बड़े फखर नाल कह सकदा कि साहिब श्री गुरु नानक देव जी, साहिब गुरु तेग बहादुर साहब जी दी दशमेश पिता अते बाबा बरपाक सिंह दी बहुत कृपा है कि इत्थों ये सारे फुल बड़ी सरलता प्यार और सत्कार परे मनां नूं मिलदे हन। इंसान दा फर्ज केवल ये रह जांदा है कसी उन्हां दे चरणां च ध्यान लगाना है। जे असी ध्यान लगा के नहीं कोई भी कारज कीता, ओ साडा जिहड़ा कारज है सिरे छेती नहीं चढ़दा, असफलता नहीं मैं कहिंदा, लेकिन उस नूं सिरे चढ़ने दे विच देरी लगदी है। और देरी जिहड़ी है वह बहुत दफा असी कलजगी जीवा पासों बर्दाश्त नहीं हुंदी ते दिल तोड़ के छड़ छुड़ के एक पासे हो जाने आ। कदे भुल ना करना, मेहरबान जिसने सानू साजिया है, नवाजिया है, जिसने साडे उत्ते हर समय पालना दा जुम्मा लिया है, उस सातों इनकारी कदी नहीं हो सकता। क्यों? असी उन्हां दी अनश हाँ, उन्हां दी अनश द्वारा असी चलते फिरते हाँ, उन्हां दी अनश द्वारा ये सारे काम जड़े हुंदे हन ये हो रहे हैं। जड़ा साडा जीवन है वह सारा जड़ा चलता है उन्हां दी अनश द्वारा ही चलता है। तुसी कबीर साहब नूं देखिया किन्ने तुसी ये दिते ताना तोड़ दिता, राजे ने हाथी दे थले दे देना मंगया, हाथी पिछे हट गया, फिर गंगा दे विच सुट दिता पत्थर बन के डुब जाएगा,
लेकिन रखन वाला तो बहुत बेअंत है। उसकी बेअंतता का कोई कथन नहीं किया जा सकता, उस रहमत का कोई वर्णन नहीं किया जाता। असी कलजुगी जीव नापर हो जाने, साढ़े छोमे बहुत है, और होमे की जी अंश है वह सू मैं थानू खुल के ही दस दिया कि यह अकाल पुरख के हुक्म अनुसार ये साढ़े को सेवा कर रहे हैं। असं इन्हों ना पैसा दें, ना तेला दें, ना कोई फैसिलिटी दें। ये सेवादार जे सारे ही हैं, ये थोड़ी सेवा दे विच लगे हुए हैं, और मैं समझना कि इन्हों के किन्ने बड़े भाग हैं, किड्डे बड़े भाग हैं जिन्होंने डायरैक्ट हुक्म आए हैं अकाल पुरख के घरों। यह अवस्था किसी को मिलती है। अज असी इन्हों इस अवस्था देखते हैं, कल किसी होर अवस्था चुनगे। यह समा जड़ा है इस सेवा की बड़ी जरूरत हो जानी है, क्यों अगे जड़ा घटिया समा आ रहा है वो एक दूसरे बंदे का हमदर्द बंदा ही होना है, और बंदे ने काम आना है, और ये बंदे जेड़े हैं ये उन्होंने बहुत काम आने वाले हैं। कभी कभी मैं भी ख्याल करता कि जीवन किस काम है, इन्ने सारे वरे खराब ही करते। लेकिन जिस वेले इसका उत्तर आता है, जवाब मिलता है, तो मन की अवस्था जी है वो हैरान ही रह जाती है कि पातशाह असं की सोचते हैं, तो तुम कितने बैठे हो। आज अपना दरबार किसी गिनती च है, आज अपना दरबार किसी गिनती च है। जिस दरबार के विच जाओ, अपनी श्रद्धा लैके जाओ, अपना निजम और अपना सिमरन करो, करके बैठ के बेनती छाड़ो, थोड़ी इच्छा पूर्त होती है। वह दरबार की महत्ता किन्नी क है, वह कुदरत उत्थे किन्नी नज़दीक है, असी कदी नहीं सोचते। असी यह सोचते हैं कि तो बाबा जी देखिए मत्था टेकिए, बाबा जी ने मत्था टेकना तो बिल्कुल ही मना करता अकाल पुरख ने, मत्था कोई ना टेके। और मैं होर किसी तरह तो नहीं कह सकता, हाथ जोड़ के कह सकता है कि साध संगत जीओ मत्था ना मैनू कभी भी टेकना, मैं थोड़ा सेवक हाँ, मैं थोड़े सेवा करने वास्ते आया। और ये सेवा लगी हुई है, ये दरगाह तो लगी हुई है, और ये सेवा जी है इसका जो फल है तुम लो, इस बूटे नू फल लगे हुए हैं, वो फल जेड़े आ वो लाओ खाओ, अपना सिमरन करो, बैठ जाओ और बेनती करो, फल प्राप्त होंगे। और जब तक फल थोड़ा प्राप्त नहीं होंदा उन्नी देर तक छड़ो ना महाराज के चरण, और जो है प्राप्त हो जाए शुकराना कर देना हटो। ये साडा जीवन है, ये साडा जीवन है। बहुत दफा फल हाथ च आता है तो डिग जाता है, उसनू यह ना कहो कि थोड़ी किस्मत नहीं ठीक, उसनू यह ना कहो कि साढ़े ते किसी ने जुल्म करता, यह समझो कि वह जो फल है उसके नालों थोड़ी अवस्था सुंदर, ज्यादा सुंदर फल की चाहवान है, और वह थोनू सुंदर फल मिलेगा, अवश्य मिलेगा। ये जड़े फल हैं इन्हां दी भी चोण हुंदी है गुरु घर दे विच, और चोण दे हिसाब दे नाल साढ़े लोकां नूं प्राप्त हुंदे हन।
असी झट गुस्सा कर बैंने हाँ कि सानू किसी ने नहीं बुलाया या मैं किसी कहता नहीं उपर चले जाओ तो मन च गुस्सा आ गया। कदी ना करना क्यों? वो जी अवस्था है वह थानू सिखालेपन भेज रही है। थोड़ी अपनी जड़ी अपने आप को बनाने वाली अवस्था है उस दे विच ले जा रही है और उस अवस्था नू तुसी बड़े नेक और प्यार और सत्कार दे नाल अपनी झोली च बन लाना है, गंढ मार लेनी। साहिबान का यह भी कहना है कि साध संगत जी हो कि अजीत दरबार जी संगत है जड़ी प्यार दे नाल आएगी सत्कार दे नाल आएगी वो तो असी हाथ रखांगे, बहुत वड्डी गल है और रख दे आए हैं और मैनू इस दा बहुत माण है। लेकिन वो माण मैं दर्शा नहीं सकता, उस माण दा कथन भी नहीं करदा जवंगदा। क्यों? अवस्था जब देख ली है तो उस वेले फिर माण नहीं होना चाहिए, फिर निबड़ता होनी चाहिए है। इस गुरु घर दे विच ते ऐसी हालात हुंदे रहे हैं कि ये गुरु साहिबान दे मुख वाक जड़े आ गए वो तो मोहर लग गई हैं। तुसी उन्हां तो अनजाणू नहीं हो, तुसी सब जाणू हो कि इस घर दे विच बड़ी सच्चाई सुच दा ज्यादा प्रभाव रहा है। सच्चाई और सुच नहीं इस प्रभाव दे नाल रखना, जरा तुसी अमृत ले जांदे हो इस सुच्चा रखो, सुच्चा रख के इस नाल स्नान करो, सवेरे पियो, इस नूं घर दे विच छिट्टे दियो, पी के सिमरन करो। होर जिहड़ी अवस्था तुसी ले जांदे हो तेल ले जांदे हो लिखिया होया है वो तुसी पढ़ो, पढ़ोगे तो तुसी उसते अमल करोगे तो असी सफल हुंदे चले जावांगे। पुछण दी लोड़ नहीं है किसी नूं, शीस नवाओ निकल जाओ, शीस नवाओ निकल जाओ, शीस नवाओ निकल जाओ। हिरदे नूं नीमा करो, हिरदे नूं उच्चा ना करो। ये पता नहीं कल साडे विचों कौन हैगा कौन नहीं है। इस वेले जिहड़ी अवस्था चल रही है ये बड़ी गंभीर चल रही है और ये गंभीरता जिहड़ी है वधदी जानी है, घटनी नहीं है। सो आपां कलयुगी जीवां दे नाल निम्रता दे नाल पेश आईए ताकि उन्हां नूं भी थोड़ा जिहा उदारता मिल जाए कि निम्रता दे विच बड़ा प्यार है, सत है, रहम है, कर्म है और फल है। मैं सिर्फ आप जी के दर्शन करने वास्ते आया सी, केवल दर्शन वास्ते आया सी। मैं ये भी कह सकता कि थोड़े विचों संगत कुछ ऐसी सी जिसके मन दे विच नित प्यार उठता सी लेकिन वह नज़दीक नहीं आ सकते सी। ये उन्हां वास्ते उदारता ही है, उन्हां दी जिहड़ी तांग सी उसनू ज़्यादा मजबूती मिलती रही और अज उन्होंने मेरे पासों ये वचन भी करवा लिया। ये उन्हां दी मेहर है या ये उन्हां दी तांग है, उन्हूं फुल चाड़े हन सतगुरु साहिब श्री गुरु नानक देव जी ने, गुरु तेग बहादुर साहब जी ने, गुरु गोबिंद सिंह जी ने, बाबा जी बड़पाक सिंह जी होरां। मैं इन्हां दे मेरा दिल करदा कि जे मेरी अवस्था बना देन तो मैं 24 घंटे इन्हां दे चरणां च अपना शीश रखी रखा।
लेकिन बड़ा मुश्किल, बड़ा मुश्किल। सो जिन्ना भी चिर एक घंटा तो जरूर रखो, अपने घर जाके छिट्टे दो, अपने घर सारे स्नान करवाओ और सारे अमृत पीन। और देखो थोड़े जेड़े कोई भी दरपेश चीज आई है वो दूर हो जाएगी और जीवन जेड़ा है वो सहल हो जाएगा। और जेड़ा जीवन है, जेड़े बच्चे हैं वो भी किसे ठीक पासे चल पैणगे। ये अवस्था आप सारिआं नूं अपनानी है और मत्था नहीं बिल्कुल टेकना। मत्था टेकांगे तो डिग्री घट दे दी है, डिग्री घट ना करना, अपनी डिग्रियां बधाओ। नमस्कार करो निकल जाओ, नमस्कार करो निकल जाओ, हिरदा नीमा करो शीश नीमा करो, बैठने की कोशिश ना करो। मैं बहुत सारे संगत देखना वो आके बैठ जाती है, वो मेरा जीवन नहीं देखती कि मैं किस कठिनाइयों में निकल रहा और वो बैठ देने मान समझ देने और उस मैं समझदा कि इन्हों क्या है ये हुक्म नहीं मनते। तुहानू याद होगा कि एक इतवार मैं इतने दरबार के आया, सतगुरों का हुक्म आया कि चपाई साहब के पाठ कराओ। साडे गुरमुख सवर्ण सिंह होनी फरीदाबाद वाले उन्होंने रोगनते और सोगनते ना किसी ने कहा ना वास्ता शुरू करता तो महाराज उठ के चल पे तो मैंने भी उन्होंने नाल जाना पिया क्यों मैंने तो उन्होंने बहुत लोड़ है। जो हुक्म है उसनू मनो। तो मैं आप जी पासों दोनों हाथ जोड़ के निम्रता दे नाल छुट्टी मंगदा और मैंने मत्था कोई ना टेक्यो। जे मैं जावांगा तो जान दियो, बैठांगा तो बैठे रहन दियो। तुसी अपने तन और मन जेड़े हैं उन्होंने सच्चे पातशाह दे चरणां दे नाल जोड़ के अपने आनंद लो, सुख लो। सो ये मैं बेनती करनी सी ते कच्छे ने पंज मैं कह दी ड्यूटी लावा। चेयरमैन साहब फड़ो सरदार रणवीर सिंह आ जाओ इत। बधाई होवे सरदार अजीत सिंह जी। गुरु घर के तंद जड़े होंगे वो ही बहुत बड़मुले होंगे, राख की चुटकी बड़ी बड़मुली होंगी है। बधाई होवे सरदार महेंद्र सिंह जी। सरदार दविंदर सिंह जी बधाई हो गए। नारियल करवा लेना आज मेरे पासों, सब कलकला दूर हो जाएगी।
सरदार दविंदर सिंह जी लो जी बधाई होवे। सरदार सवर्ण सिंह जी बधाई हो। सात संगत जीओ, मैं आप जी नूं बेनती कीती सी कि ए सेवादार आप नहीं लगे हुए, ए अकालपुर दे छांटे हुए हन और इन्हां नूं मजबूर किया गया है कि इत्थे आके सेवा करन और फ्री सेवा कर रहे हैं और हर एतवार नियम दे नाल आ रहे हैं, अखंड पाठों में हिस्सा ले रहे हैं। साढ़े पाठी मैं याद आ गया किसे रोस विच हैं, मैं उन्होंने बेनती कर दिया कि आप जी वास्ते ते महाराज का बहुत वड्डा बोल है कि असीं इन्हां दा अग्गा सवार देंगे। मैं समझदा जो कोई उन्होंने मन के अंदर गुस्सा गिला किसी सेवादार वालों आ गया है वो गुस्सा गिला ला देन और अपने दौड़ दौड़ के वारियां लैन, अपनी वारियां नियत कर लैन, आपस में ही मिलके वारियां लगा लैन और अखंड पाठ जड़े हैं और बड़े प्यार और सत्कार दे नाल करन, उस दे नाल उन्हां नूं बड़ा फायदा है। मैं देखदा हाँ कि बहुत सारे साढ़े सेवादार जड़े हैं बड़ी मुद्दत तो आ रहे हैं और यह भी देखदा कि सतगुरां नूं उन्हां फल नहीं दिता अजे तक और उसकी वजह मैं तुहानूं सारिआं नूं दसदिआं की है, उसकी वजह यह है कि अपना दिल तोड़ लैंदे हन और दूसरे राह देख के उन्हां दा ध्यान धरदे हन लेकिन मिलदा उत्थों किते कुछ नहीं और ना ही मिलना है। यह गुरु घर है जिथों सब चीज़ां प्राप्त होनियां है, जिंदगी प्राप्त होनी है गुरु घर दे विचों। मारन वाले सारे हन, जीवित करन वाला गुरु घर है। सो जीवन लवो, अपने मन की जिहड़ी अवस्था है उस निम्रता च लिया के अपने आप नूं ऐसी अवस्था दे विच लियाओ, ऐसी अवस्था दे विच लियाओ, ऐसे प्यार दे विच लियाओ कि तुहानूं साहिबां दे चरणां तों सिवाय दिसे ही कुछ ना। उन्होंने तो सब कुछ दिता है, उन्होंने तो सब कुछ है, जब असी जाना है तो साढ़े पास सिर्फ उन्होंने नाम है, केवल उन्होंने प्यार है और दुनिया वाली चीज कोई नाल नहीं जानी। पर मैनू ये बहुत उम्मीद है और मेरा मन बड़ा इस से परजोर दे नाल आप जी नूं दसदा है कि जेड़े प्रेमी हैं उन्हां नूं कदी सतगुरु अपनी कोई घाट नहीं रखते और मैं देखदा। सो ये जेड़ी घाट है इस नूं दूर करो और आपां सारे सफल हो जाइए। सो मैं आप जी नूं इन्ना ही कह के पता नहीं मैं किस तरह बोल गया थोड़े सामने, मेरी अवस्था नहीं है बोलने वाली, ना मेरी अवस्था है नहीं बैठने वाली, लेकिन थोड़े प्यार
थोड़े सत्कार थोड़ी लोच इसने मैं मजबूर करता है कि मैं आप जी के पास सामने बैठा और वचन करा। इस दूसरी राय कोई नहीं है, ये बिल्कुल सही राय है और मैं हाथ जोड़ के एक बेनती करदा थोड़ा शुकराना पेट करने वास्ते कि तुसी जो मेरे वास्ते अरदासा कर रहे हो मैं उन्हां वास्ते आप जी सब दा रेणी हाँ, आप सब जी दा रेणी हाँ जड़े अरदासा करदे हाँ। कितने थोड़े काम आवांगा, नहीं कह सकता। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जीओ, तू प्रभ दाता दान मत पूरा, हम थारे पेकारी जीओ। मैं क्या मांगू किछ थिर नाराई, हर दीजे नाम प्यारी जियो। बिलावल महला पंजमा, रोग मिटाया आप प्रभ, उपजिया सुख सांत। वड परताप अचरज रूप, हर कीनी दास, रोग मिटाया आप प्रभ, उपजिया सुख सांत। वड परताप आचरज रूप, हर कीनी दास, गुरु गोविंद कृपा करी, राखिया मेरा पाई, हम तिस की शरणागति जो सदा सहाई। रहो बिरती कदे ना होवई, जन की अरदास, नानक जोर गोविंद का पूरन गुणतास। बिरती कदे ना होवई, जन की अरदास, नानक जोर गोविंद का पूरन गुणतास। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आज का हुक्मनामा है बिलावल महला पंजवा, रोग मिटाया आप प्रभ, उपजिया सुख शांत, वड प्रताप आचरज रूप, हर कीनी दात। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सत्संग जीओ, आप जी ने पौना घंटा करीब बाबा जी दे बचन सरवण कीते हन और उस तो बाद हुक्मनामा अकाल पुरख परमेश्वर वालों जो आया है वो भी सरवण किया।
महाराज जी ने आज भी अपने बचना दे विच ए दृष्टाया है कि जो भी बचन होंदे हन दरबार विच ए अकाल पुरख परमेश्वर आप करवांदे हन, इस करके ओदे उत्ते अकाल पुरख परमेश्वर दे हुक्मनामे दी मोर लगदी है। और एक चिरा तो जदों दे आपां इत्थे दरबार दी हाजरी भर रहे हां, ये हमेशा ही इस तरह होंदा है। अज भी बचन जदों शुरू होए तो आप जी नूं याद होएगा, बचना विच सब तो पहला महाराज जी ने यही कहा कि जिन्हें भी भगत होंदे हन, गुरु दे प्यारे होंदे हन, फकीर होंदे हन, इन्हां उत्ते औकड़ां ज्यादा आंदियां हन, इन्हां दे इम्तिहान होंदे हन, इन्हां नूं इहो भीड़ियां गलियां विचों निकलना पैंदा है, पर ये गलियां प्रेम दियां गलियां होंदियां हन। और ये प्यार अकाल पुरख परमेश्वर आप हाथ दे के फिर रखिया करदा है, इम्तिहान विचों भी फिर आप ही कृपा करदा है। ते हुक्मनामा जो शुरू होया ए साफ दृष्टारिया मोर लगी के रोग मिटाया आप प्रभ, उपजया सुख साथ, वड प्रताप अचर्ज रूप हर किन्नी दात, हरि प्रभु दी दात होई। उन्हां दे प्रताप असी नहीं जाच सकदे क्योंकि ओ अथाह हन, अगणित हन, मेहरबान हन, दाता देन वाले हन। रे अज दे बचन भी महाराज जी दे सारे एदे उत्ते ही होए हन। और हुक्मनामे ने उस तरह ही शुरू विच ही मोर लगा के ये दृष्टांत महाराज जी दा अज दा फिर अपने सामने रखे। ये पंक्ति सारे प्यार ना पढ़ो।